इधर एक बड़ी खबर मुंगेली से आ रही है, जहां पर बीजेपी से निष्कासित पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो आपको बता दें कि कल ही की गई खबर थी, जहां पर बीजेपी ने इस प्रकार से जो कार्रवाई की है पार्टी के खिलाफ, क्रॉस वोटिंग का ये पूरा मामला था, जहां पर बीजेपी ने अपने 5 पार्षदों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इन्हीं निष्कासित हुए पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा है, कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी पार्षद मोहित बंजारा ने गंभीर आरोप पार्टी पर लगाए हैं, अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। विधायक पुन्नूलाल मोहले, पूर्व विधायक चुवादास खांडेकर, बीजेपी जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। जमीन नकदी सहित लेन देन का आरोप लगाया गया, संगठन के नाम पर से करोड़ों की वसूली का भी आरोप लगाया गया है। कार्रवाई से बौखलाए पार्षदों ने बीजेपी की अंतर्कलह को उजागर किया है। तो कल की खबर थी, जहां पर क्रॉस वोटिंग का यह पूरा मामला, जिसमें बीजेपी ने अपने 5 पार्षदों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, उन्हें निष्कासित हुए पार्षदों का अभी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर अब कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए सैयद वाजिद सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैयद, जानना चाहेंगे कल की खबर थी जब इस प्रकार की कार्रवाई पार्टी ने अपने पार्षदों के खिलाफ में की थी, आज उसी में विपरीत स्थिति यहां पर देखने को मिल रही, पार्टी की अंतर्कलह उजागर हुई है। बिल्कुल निश्चित ही नगर पालिका मुंगेली में सियासी उलटफेर के बाद से ये बवाल जो है पूरी तरीके से मचा हुआ है, जिसके बाद में बीजेपी ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही पार्टी के 5 पार्षदों को निष्कासित किया है। वहीं एक युवा नेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद में जो जिनके ऊपर निष्कासन की कार्यवाही जिन पार्षदों के ऊपर हुई है, उनका आज गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और जो बीजेपी की जो अंतर्कलह है वो उजागर हुई है। तो साफ तौर पे एक गंभीर आरोप जो है, जो पार्षद है मोहित बंजारा, उन्होंने साफ तौर पे जो स्थानीय विधायक है पुन्नूलाल मोहले, जो पूर्व खाद्य मंत्री थे, और पूर्व विधायक जो है चुवादास खांडेकर, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं शैलेश पाठक, इन पर जमीन नकदी सहित लेन देन का एक बड़ा आरोप लगाया है, और साथ में संगठन पर वसूली के लिए भी आरोप लगाया है करोड़ों रुपए का। साथ में जो अध्यक्ष और टिकट अध्यक्ष बनाने के नाम पर और टिकट के नाम पर जो है लाखों रुपए जो है पार्षदों से वसूली की गई है, उनसे वसूली की गई है जिनके वो खुद प्रत्यक्षदर्शी थे, इस तरीका का एक गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले पर हम जो विधायक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन एक बड़ा जो बौखलाहट के बाद में पार्षदों का गुस्सा फूटा है और बीजेपी के अंतर्कलह को जो उजागर करके रख दिया है एक बड़ी कार्यवाही से। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सैयद आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि इस प्रकार की जो स्थिति अब निर्मित हुई है, बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर उजागर हुई। देवांगन जी अध्यक्ष के चुनाव लड़े हैं, वो हमको पैसा देंगे दिए हैं बोल के, हमसे पैसा, हमारी लोगों से जो पार्षद थे उनको पैसा दिए हैं बोल के, सबके पास से पैसा मांगने के लिए घर घर जाते हैं, आज भी जाते हैं, हम लोगों को प्रताड़ित भी करता है, आप पैसा दो बोल के। कितना पैसा मांगते हैं? 5 लाख रुपये मांगते हैं प्रत्येक आदमी से। अच्छा, हर पार्षद जो हम लोग 10 जने थे उससे 5 लाख रुपये मांगे हैं और वापस भी किए हैं और नहीं देंगे, और हमारे हमको तो आप दिए नहीं हो, अब दिए हो तो कहाँ दिए, तो वो बोल रहे थे चोवा मेरे सामने में दिए हैं पैसा, चोवा बोल रहे थे, पुन्नू लाल मोहले जो हमारे विधायक हैं वो बोल रहे थे, शैलेश पाठक बोल रहे थे जब दिए हैं, जिला अध्यक्ष है शैलेश पाठक, और जो यहाँ का जो जातिगत दुर्भावनावश से किए गए हैं, जो मान लो अगर हम यहाँ तो 5 लोगों को निष्कासित किया है जबकि यहाँ तो 6 लोगों उनको वोटिंग नहीं किए हैं, गायत्री आनंद देवांगन को 6 लोग वोटिंग नहीं किए हैं, उनमें से एक कौन ऐसा चाहता है, उनको छोड़ दिए गए हैं, हम लोगों को 5 ही लोगों को इसके बहिष्कृत किए गए हैं।